शहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हदिया। आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। क्या नहीं बन रही है डॉन 3? आखिर किन बातों का ध्यान रखते हैं शाहरुख खान स्क्रिप्ट चुनने से पहले? क्या SRK नहीं नजर आएंगे डॉन 3 के अवतार में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं आपकी होस्ट मधुलिका एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि डॉन बॉलीवुड का एक ऐसा किरदार है जिसे सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने निभाया था, और उसके बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इस किरदार को इस तरीके से निभाया था कि उनके अलावा इस किरदार को कोई भी नहीं निभा सकता। और हाल ही में ये सब सामने आ रहा था कि फरहान अख्तर की डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है, और अब हम आपको बता दें कि फैंस बेहद एक्साइटेड थे इस मूवी को लेकर। वो एक बार फिर से अपने चहेते शाहरुख खान को डॉन के अवतार में देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉन 3 नहीं बन रही है। जी हाँ दोस्तों, फैंस डिसअपॉइंट हो गए हैं ये खबर सुनते ही। चलिए हम आपको बताते हैं कि डॉन 3 की शूटिंग क्यों रुक गई है, क्यों नहीं बनेगी ये मूवी। तो दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि शाहरुख खान अपने कमबैक्स पठान, जवान और दुनकी में व्यस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इन मूवीज के द्वारा एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कमबैक कर रहे हैं, और साथ ही में उन्होंने 2024 में अपनी फिल्म की स्क्रिप्टिंग्स को भी देखना शुरू कर दिया है। उनके पास डॉन 3 की भी स्क्रिप्ट आई थी, लेकिन उन्होंने इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना है कि बॉक्स ऑफिस का जैसा हाल है, जिस तरीके से बॉलीवुड की मूवीज पिट रही हैं, तो उस समय पर उन्हें जब तक वो डबल श्योर ना हो तब तक किसी भी मूवी को हाँ नहीं कहना चाहिए। और डॉन का किरदार एक ऐसा किरदार है जो परफेक्ट होना चाहिए हर एंगल से, तो वो जब तक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते वो इस मूवी के लिए हाँ नहीं कह रहे हैं। इसीलिए वो बैक टू बैक एक्शन मूवीज को हाँ कर रहे हैं, जैसे कि पठान और जवान। तो क्या डॉन 3 नहीं बनेगी? तो अब हम आपको बता दें कि अभी तक यही सामने आया है कि शाहरुख ने डॉन 3 की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं, और साथ ही फरहान अख्तर भी जानते हैं कि डॉन के किरदार में शाहरुख से बेस्ट कोई नहीं है, और शायद इसीलिए वो किसी और को हायर करने से अच्छा स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहे हैं, ताकि वो अगली बार जब डॉन की स्क्रिप्ट दिखाएं तो शाहरुख खान इस फिल्म के लिए हाँ कर दें। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि शाहरुख खान खुद भी काफी एक्साइटेड थे अपने बैड एस क्रिमिनल कैरेक्टर के लिए, लेकिन शायद वो अपनी स्क्रिप्ट पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया। ऑडियंस थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर हुई है इस न्यूज से, लेकिन हम आपको बता देती है कि जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी हमारी ऑडियंस को। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको प्रोवाइड करते हैं बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की सभी खबरें। जाने से पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।